बिग बॉस 14 के घर में बड़ा हादसा ही हो गया, जो अब तक नहीं हुआ वो इस सीजन में तीसरे ही दिन देखने को मिल गया। बातों ही बातों में कहानी हाथापाई और फिर जिंदगी खत्म करने तक पहुंच गई। खुद को मास्टरमाइंड बताने वाले सिद्धार्थ शुक्ला रुवीना दिलैक से भिड़ गए। रुवीना से सिद्धार्थ ने ऐसी बातें कही कि अगर रुवीना की जगह आसिम रियाज होते तो यकीनन दोनों में से किसी एक को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती। सिद्धार्थ ने लड़ाई की शुरुआत करते हुए रुवीना से कहा कि बिग बॉस ने तुम्हें जमीन तक पहुंचा दिया, बिग बॉस तुम्हें जीना मरना सिखा रहा है। रुवीना ने सिद्धार्थ की बातों को जाने दिया और कहा कि बिग बॉस में ये सब चीजें आम है, बिग बॉस सिर्फ सुविधाओं से ही वंचित कर रहा है, कोई बिग बॉस मार थोड़ी देगा। सिद्धार्थ कहते हैं कि बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मर रहे हो या जी रहे हो, अगर आप मर भी जाती हो तो आपकी जिंदगी का भुगतान बिग बॉस कर देगा। इतनी बड़ी बात बोलने के बाद रुवीना दिलैक पर गुस्सा सवार हो जाता है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा पी लेती हैं और कहती हैं कि अगर मैं मर गई तो बिग बॉस अपने 104 एपिसोड कैसे चलाएगा। सिद्धार्थ कहते हैं कि तुम नहीं तो तुम्हारे बाद कोई आएगा और बिग बॉस ऐसे ही चलता रहेगा, तुम्हारा इंश्योरेंस करवा दिया जाएगा, लोग याद भी करेंगे कि बिग बॉस में एक रुवीना थी, उसने ऐसा सब किया। रुवीना का गुस्सा सिद्धार्थ इस हद तक बढ़ा देते हैं कि उन्हें ये लड़ाई बहुत कंट्रोल करना पड़ जाता है। उसके बाद रुवीना कहती है कि सिद्धार्थ तुम चाकू मंगवा लो और जो करना हो तुम अपनी इच्छा भी पूरी कर लो और देख लो कि मेरे ना होने पर क्या होता है। इनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती कि अगर सही वक्त पर गौहर खान नहीं आती तो ना जाने शो में क्या हो जाता। रुवीना का लेवल भी कम होता चला जा रहा है, वो खुद को अकेलापन महसूस करने लगी है, वो सुविधाएं ना मिलने पर रोती भी दिखी थी और अब उनके साथ वाले सभी रिजेक्ट कंटेस्टेंट भी सेलेक्ट हो गए और रुवीना अपने ईगो की वजह से फिर से रिजेक्ट हो गई। तब वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है और तीसरा ही दिन हुआ कि रुवीना मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से परेशान हो चुकी है। रुवीना को सेलेक्ट होने के लिए बिग बॉस ने एक ऑफर दिया था कि वो हफ्ते भर एक ही कपड़े में रहेंगी, उन्हें दूसरे कोई कपड़े नहीं दिए जाएंगे, ना ही उन्हें कोई मेकअप का सामान दिया जाएगा, बस खाने के लिए रोटी दी जाएगी और उन्हें एक जोड़ी कपड़े में पूरा हफ्ता भर निकालना है, तभी वो बिग बॉस के अंदर आने के लिए सेलेक्ट हो पाएंगी। लेकिन रुवीना ने इस ऑफर को पूरा सुने बिना ही उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बाहर रहना गवारा है लेकिन अंदर ऐसी हालत में नहीं रह पाऊंगी। अब देखना होगा क्या रुवीना अपने ईगो के चलते इस शो में ज्यादा दिन तक टिक पाएंगी। मेलम न्यूज रिपोर्ट।